नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में लॉन टेनिस के पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में आप सभी का स्वागत है। द स्पोर्ट्स स्कूल बेंगलुरु कर्नाटक में खेले जाने वाले इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो पुरुष टीम इवेंट का फाइनल है वो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु और SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु के मध्य दो सिंगल्स एक डबल्स के मुकाबले, और जो फाइनल मुकाबला है उसमें SRM यूनिवर्सिटी ने टॉस जीता है पहले सर्विस। कृष्णा तेजा पहले सेट में सर्विस की शुरुआत फॉल्ट के साथ, उनके सामने है अनीश शरण। डबल फॉल्ट लव 15। कृष्णा तेजा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को, 22 साल के हैं, MBA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक उनका रहा है अपनी टीम के लिए। और इस बार पहला अंक बनाया, बहुत बढ़िया सर्विस, बहुत तेज बैकहैंड रिटर्न अनीश शरण का नेट में। फिफ्टीन ऑल पर कृष्णा, और फुटबॉल सर्विस करने के पहले ही लाइन पर पैर आ गया था बेस लाइन के, तो 15-30 पहला सेट इस मेंस टीम इवेंट के फाइनल मुकाबले का। अभी तक अपने पहली सर्विस पर उतना नियंत्रण नहीं है कृष्णा को, बहुत ही बढ़िया डाउन द लाइन फॉरहैंड, कोई मौका नहीं अनीश शरण के लिए। 30 ऑल, SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु जो पूल सी से क्वालिफाई करके फाइनल मुकाबले में पहुंची है। लीग मुकाबले में उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को 2-1 से हराया था। उसके बाद दूसरे मुकाबले में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे को 3-0 से शिकस्त दी थी, और तीसरे मुकाबले में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल के लिए वे क्वालिफाई हुए थे, और सेमीफाइनल में गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात को 2-0 से हराकर इस समय फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। अब बढ़िया गेम के साथ, बढ़िया सर्विस के साथ गेम अपने कंट्रोल में किया और अपनी सर्विस को बचाया कृष्णा तेजा ने। वन लव पहला सेट, और पहले सेट में 1-0 से आगे हैं कृष्णा तेजा। और अब अनीश शरण वी जो अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के हैं वे सर्विस करेंगे, और सर्विस रिसीव करेंगे कृष्णा तेजा SRM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के, जिन्होंने अपनी सर्विस बचाई 1-0 उनके पक्ष में स्कोर। अनीश शरण जो 21 साल के हैं और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत सही फॉरहैंड, कोई मौका नहीं अनीश शरण के लिए। अनीश शरण पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लव 15 सेकंड सर्व, इस बार डबल फॉल्ट के साथ लव 30। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा अनीश शरण के ऊपर, दोनों ही यंग टैलेंटेड प्लेयर अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, बहुत अच्छी स्मृतियां अपने साथ ले जाएंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो।
बेस लाइन से फॉरहैंड बाहर जाता हुआ प्लेइंग फील्ड के, तो पहला अंक इस सेट में, इस गेम में अनीस शरण के लिए 15-30। सेकंड सर्व, इस बार फोरहैंड डाउन द लाइन शॉट बेस लाइन के बाहर पहुंचता हुआ और ब्रेक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं अब कृष्णा तेजा 15-40। और पूरा दबाव अपनी सर्विस को बचाने के लिए अनीश शरण के ऊपर। रिटर्न साइड लाइन के बाहर, एक ब्रेक पॉइंट बचाया अनीश शरण ने। 30-40 पर सर्विस करेंगे। इस बार सर्विस ब्रेक की रिटर्न बैक लाइन के बाहर गया और इस पहले सेट में अब कृष्णा तेजा 2-0 से आगे हो गए हैं। तो पहले ही सेट में कृष्णा तेजा ने सर्विस ब्रेक की अनीश शरण की 2-0, 15-love पर सर्विस करते हुए कृष्णा तेजा एसआरएम यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। बहुत ही ताकतवर एंगल सर्विस फोरहैंड पर प्रयास किया था रिटर्न करने का, लेकिन सर्विस में तेजी भी बहुत थी और कोण भी बहुत अच्छा था और गेंद प्लेइंग एरिया में पिच होने के बाद बहुत ज्यादा उनके बॉडी से दूर जाती हुई 15-love। अच्छी शुरुआत एस के साथ। थर्टी लव, पहला एस इस फाइनल मुकाबले में। कृष्णा पहले गेम के मुकाबले दूसरे गेम में बहुत आक्रामक तेवर के साथ खेलते हुए, विशेष रूप से अपनी सर्विस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे कर रहे हैं। 40-love, सर्विस गेम जीतने से केवल एक अंक और उन्हें चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 लॉन टेनिस के मुकाबले द स्पोर्ट्स स्कूल बेंगलुरु में खेले जा रहे हैं और इस जगह पर फुटबॉल के मुकाबले, इसके अलावा टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस के मुकाबले आयोजित किए गए हैं और इस प्रकार बिना कोई अंक गंवाए तीसरा गेम भी अपने पक्ष में किया कृष्णा तेजा ने और अब एसआरएम यूनिवर्सिटी इस फाइनल मैच में 3-0 से आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत मेंस टेनिस टीम इवेंट का ये फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है अन्ना यूनिवर्सिटी और एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई के बीच, और 5-4 से आगे हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी के कृष्णा तेजा। और ये लॉन्ग रिटर्न लव 15 पर सर्विस अनीस सरन की, जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं, इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं 21 साल के और पहली बार वो खेल रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। लव 15, 4-5 से पिछड़ रहे हैं अनीस शरण
यहाँ पर आपको बता दें कि एसआरएम यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में गुजरात यूनिवर्सिटी को पराजित किया था 2-0 से। वहीं अन्ना यूनिवर्सिटी ने शिकस्त दी थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 2-1 से। बहुत ही बढ़िया फोर हैंड क्रॉस कोर्ट सदा हुआ नपातुला। लव 30 5-4 से पहले ही आगे हैं कृष्णा तेजा एसआरएम यूनिवर्सिटी के। लॉन्ग रिटर्न गया तेजा का। 15-30 पर सर्विस करेंगे अनीस सरन अन्ना यूनिवर्सिटी के। अन्ना यूनिवर्सिटी का फाइनल तक का सफर इस तरह से रहा है, उन्होंने एसवी यूनिवर्सिटी को पराजित किया था ग्रुप डी में 3-0 से, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को भी 3-0 से पराजित किया। वहीं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को भी 3-0 से, और सेमीफाइनल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 2-1 से पराजित किया था। तो अपने ग्रुप में ग्रुप डी में टॉप पर रही थी अन्ना यूनिवर्सिटी। वहीं एसआरएम यूनिवर्सिटी ग्रुप सी में थी टॉपर, और एसआरएम यूनिवर्सिटी ने पहले ग्रुप मैच में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को 2-1 से पराजित किया था। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को 3-0 से। ये बहुत बढ़िया फोर हैंड डाउन द लाइन खेला अनीस सरन ने अन्ना यूनिवर्सिटी के 30 ऑल, जबकि लव 30 से पिछड़ रहे थे। अच्छी वापसी, 4-5 से पीछे हैं इस सेट में अन्ना यूनिवर्सिटी के सरन अनीस सरन। और एसआरएम यूनिवर्सिटी ने तीसरे मैच में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को पराजित किया था 3-0 से, और सेमीफाइनल में एसआरएम ने हराया था गुजरात यूनिवर्सिटी को 2-0 से। तो ये सफ़र रहा फाइनल तक का दोनों यूनिवर्सिटीज़ का। अन्ना और एसआरएम दोनों ही चेन्नई के यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छी रैली है, बेस लाइन पर ही खेल चलता हुआ, और ये फोर हैंड जो कोशिश की थी सही नहीं बैठा। 30-40 ब्रेक करने का मौका कृष्णा तेजा के पास एसआरएम यूनिवर्सिटी के। 5-4 से आगे हैं, और इस गेम को ब्रेक करके, सर्विस को ब्रेक करके 6-4 से पहला सेट अपने नाम कर सकते हैं कृष्णा तेजा। दबाव निश्चित रूप से अनीस सरन पर होगा अन्ना यूनिवर्सिटी के। कृष्णा तेजा, और ये सही बिल्कुल बेस लाइन पर रिटर्न किया था। ओ, फोर हैंड क्रॉस कोर्ट नेट में उलझा बैठे कृष्णा तेजा, और ड्यूस पर ये गेम पहुंचता हुआ। 4-5 पर सर्विस कर रहे हैं सेट में अनीस सरन ड्यूस। ड्यूस सेकंड सर्व अनीस सरन के लिए। ताकत पर रिटर्न किया था, और ये लॉन्ग खेल बैठे। फिर से अब एडवांटेज पर कृष्णा तेजा एसआरएम यूनिवर्सिटी के, जबकि 5-4 से आगे हैं पहले सेट में कृष्णा तेजा एसआरएम यूनिवर्सिटी के। तो काफी संभल कर एहतियात से सर्विस करनी होगी अनीस सरन को। सर्विस फॉल्ट,
सेकंड सर्व ये कमजोर आएगी, तैयार होंगे उसके लिए तेजा। ओ ये चिप शॉट बैकहैंड से नेट में, फिर से ड्यूस। अनीस सरन अन्ना यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, इनसाइड आउट अच्छा खेला और ये रिटर्न नेट में उलझा और अब एडवांटेज अन्ना यूनिवर्सिटी के अनीस सरन को, जबकि 4-5 से पिछड़ रहे हैं। इस सर्विस गेम को जीतना होगा वरना ये सेट जीत जाएंगे कृष्णा तेजा। एडवांटेज सेकंड सर्व, और डबल फॉल्ट बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पर, नाजुक मौके पर, फिर से ड्यूस पर पहुंच गया है ये गेम। तो काफी लंबा चलता हुआ ये गेम और टेनिस के खेल में खिलाड़ी तो खैर कोर्ट पर मौजूद होते ही हैं लेकिन अंपायर्स की मौजूदगी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओह एडवांटेज अब एसआरएम यूनिवर्सिटी के कृष्णा तेजा को। चेयर अंपायर हैं अमूल पुजारी। एडवांटेज कृष्णा तेजा को, ये लॉन्ग रिटर्न, तो इस तरह से ये सर्विस ब्रेक करके ये सेट 6-4 से जीत लिया है एसआरएम यूनिवर्सिटी के कृष्णा तेजा ने। तो 1-0 की बढ़त इस सेट में, इस मैच में, पहले सिंगल्स में पहला सेट 6-4 से जीतकर 1-0 की बढ़त एसआरएम यूनिवर्सिटी को। तो पहला सेट 6-4 से एसआरएम यूनिवर्सिटी के लिए कृष्णा तेजा ने जीतकर टीम को एक अच्छी शुरुआत दी है और देखना है कि अब दूसरे सेट में अनीश शरण किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्या वे वापसी कर पाते हैं या नहीं। यदि दूसरा सेट भी कृष्णा तेजा ने जीता तो यह मुकाबला यहीं पर संपन्न हो जाएगा और 1-0 की बढ़त इस बेस्ट ऑफ 3 के मुकाबले में एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की हो जाएगी। कृष्णा तेजा दूसरे सेट में पहली सर्विस नेट पर, ड्रॉप शॉट जो साइड लाइन के बाहर गया, क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट की एक बहुत अच्छी कोशिश थी कृष्णा तेजा की लेकिन सफल नहीं हो पाए। लव 15 पहला अंक अनीश शरण के लिए। नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ अनीश इस दूसरे सेट में सेकंड सर्व, बहुत ही बढ़िया डाउन द लाइन अनीश ने फुल स्ट्रेच होते हुए गेंद को रिटर्न करने का प्रयास किया था लेकिन साइड लाइन के बाहर उनका रिटर्न। लव 30, थोड़ा सा दबाव कृष्णा तेजा के ऊपर होगा लेकिन दबाव को झेलना ही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान रहती है। जितना ज़्यादा दबाव में कोई खिलाड़ी रहेगा और वहाँ से निखर कर आएगा, वापसी करेगा, तो वो उसके टेम्परामेंट को दर्शाता है। 3 ब्रेक पॉइंट,
लव 40 तीन ब्रेक पॉइंट अनीस शरण के पास। तो दूसरे सेट की शुरुआत कृष्णा तेजा अपनी सर्विस को क्या बचा पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। उस बार फॉरहैंड क्रॉस कोर्ट बहुत ज्यादा नीचे रह गई थी बॉल, 15-40 अनीस शरण का रिटर्न नेट में गया। तो 15-40 एक ब्रेक पॉइंट बचाया कृष्णा तेजा ने। एमबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में कृष्णा तेजा, और सीबीएसई स्कूल नेशनल में टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपनी स्कूल को दिला चुके हैं। सेकंड सर्व प्रेशर, और ये प्रेशर ने इस बात की ओर इशारा किया कि कृष्णा तेजा पहला गेम हार चुके हैं दूसरे सेट में, अपनी सर्विस उन्होंने खो दी है। और स्कोर है अब दूसरे सेट में 1-0 अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के लिए। इस सेट में पहला गेम जीता है अनीश शरण ने, और देखना है अब अपनी सर्विस को किस तरह से वे बचाए रख पाते हैं, क्योंकि जब तक वे अपनी सर्विस को बचाए रखेंगे तब तक वे इस सेट में बराबरी से बने रहेंगे। 1-0 से आगे हैं दूसरे सेट में अनीस। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बेस लाइन पर रिटर्न आया था और केवल दिशा भर दिखाई उन्होंने, और उम्मीद नहीं थी कृष्णा तेजा को कि यह रिटर्न वापस आ जाएगा। उनका फॉरहैंड बहुत ही पावरफुल था। थर्टी लव दूसरा सेट। और फॉरहैंड क्रॉस कोर्ट शॉट बहुत ही सही जगह पर, कोई जवाब नहीं अनीश शरण के लिए। 30-15 डबल फॉल्ट निर्णायक अवसर पर, और यही छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पर खिलाड़ियों को ध्यान देना होता है कि जब आप अच्छी स्थिति में हो तो अपने खेल के स्तर को और ऊंचा उठाएं, और यहां डबल फॉल्ट गलतियां कितनी परेशान करेंगी या कितनी फेवर में रहेंगी अनीश शरण के, ये देखना होगा। 30-all पर सर्विस करते हुए सेकंड सेट में अनीश शरण, और ये एक और गलती फॉरहैंड नेट पर। 30-40 एक समय 30-love पर थे अनीश शरण, और अब परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी। ब्रेक पॉइंट पर हैं कृष्णा तेजा एसआरएम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के। दोनों ही यूनिवर्सिटी चेन्नई में स्थित हैं, तो आमतौर पर इन खिलाड़ियों के बीच मुकाबले होते रहते होंगे और एक दूसरे के खेल से परिचित भी होंगे ये खिलाड़ी। 30-40 दोनों खिलाड़ी बेस लाइन पर खेलते हुए, और काफी पीछे हटकर खेलते हैं कृष्णा तेजा। पर ब्रेक पॉइंट को बचाया फॉरहैंड क्रॉस कोर्ट रिटर्न साइड लाइन के बाहर, ड्यूस पर गेम चला गया है। दूसरा सेट 1-0 से आगे हैं अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के अनीश शरण। पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में अपनी सर्विस को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए, एक समय 30-love से वे आगे थे, लेकिन लगातार तीन अंक बनाकर दबाव बनाया उनके ऊपर कृष्णा तेजा ने,
और कृष्णा की गलती के कारण वे ड्यूस की स्थिति पर आ गए हैं। बैकहैंड क्रॉस कोर्ट साइड लाइन के बाहर। एडवांटेज अन्ना यूनिवर्सिटी, एडवांटेज है अब अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु को। अपनी सर्विस बचाने के लिए अंक जीतना होगा अनीस शरण को। और इस बार स्लाइस नेट में रहा और अन्ना यूनिवर्सिटी के लिए अनीस शरण ने अपनी सर्विस को बचाया और अब दूसरे सेट में वे अब 2-0 से आगे हो गए हैं। पहला सेट जीता था एसआरएम यूनिवर्सिटी ने 6-4 से। तो पहला सेट 6-4 से जीतने के बाद दूसरे सेट में एसआरएम यूनिवर्सिटी के कृष्णा तेजा 5-2 से आगे हैं। सर्विस अन्ना यूनिवर्सिटी के अनीस शरण की 15 love। शानदार खेल दिखाया है कृष्णा तेजा ने। 6-4 से पहला सेट, दूसरे सेट पे 5-2 से आगे। मैं चिप्स रखा हूँ ब्लैक बैग में। आपने खा लिया? लॉन्ग में लगा दो ना। और ये रिटर्न नेट में 15 all। 15 all। तो टेनिस के इस खेल में खिलाड़ियों के साथ ही अंपायर्स की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक चेयर अंपायर जो मुख्य अंपायर होते हैं, उसके अलावा सर्विस अंपायर और एक लाइन अंपायर और एक बेस अंपायर। तो इस तरह से सबकी मदद से सारे निर्णय लिए जाते हैं। बॉल इन है या आउट है, सर्विस सही है या गलत है। फिर से नेट में रिटर्न अनीस शरण का 15-30 पर सर्विस करेंगे। 2-5 से पिछड़ रहे हैं इस दूसरे सेट में। पहला सेट 4-6 से हारे थे अन्ना यूनिवर्सिटी के अनीस शरण। सेकंड सर्व लॉन्ग था वो रिटर्न 15-40। गेम सेट और मैच पॉइंट एसआरएम यूनिवर्सिटी के कृष्णा तेजा के पक्ष में 15-40। 2-5 पर सर्विस कर रहे हैं सेट में अनीस शरण अन्ना यूनिवर्सिटी के। पहला सेट 6-4 से जीता था कृष्णा तेजा ने एसआरएम यूनिवर्सिटी के और दूसरे सेट में 5-2 की बढ़त। इस समय सर्विस अनीस शरण की। और इसके साथ ही ये गेम सेट और मैच एसआरएम यूनिवर्सिटी के कृष्णा तेजा के नाम 6-4, 6-2 से इस पहले सिंगल्स को जीत करके 1-0 की बढ़त दिला दी है कृष्णा तेजा ने एसआरएम यूनिवर्सिटी को इस फाइनल मुकाबले में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत मेंस टेनिस के टीम इवेंट का ये अंतिम फाइनल मुकाबला। तो अब इस फाइनल मुकाबले में 1-0 की बढ़त प्राप्त कर ली है एसआरएम यूनिवर्सिटी ने।